हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटार्ड सिंड्रोम के बारे में। अब आप इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहे कि वो मर चुका है और जो आपके सामने बात कर रहा है, जो आपके सामने खड़ा है, वह एक मुर्दा है। शायद ये सोचकर ही आप डर जाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो मरा हुआ कैसे हो सकता है। लेकिन कोटार्ड सिंड्रोम एक ऐसी खतरनाक और विचित्र बीमारी है जिसमें इस बीमारी के मरीज को लगता है कि वो मर चुका है, या फिर कुछ केस में मरीज को ऐसा लगता है कि वो कभी मर ही नहीं सकता, वो अमर हो चुका है। इस बीमारी में मरीज को लगता है कि उसके अंदर मौजूद खून सूख गया है, उसके शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे कि दिल, फेफड़े, आते सब निकाल लिए गए हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर अंदर से खाली है। इस बीमारी में मरीज जिंदा है या फिर मर चुका है, इस बात को कंफर्म करने के लिए वो सुसाइड भी कर सकता है। इस बीमारी को समझना डॉक्टरों के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो अब बात करेंगे फ्रेगोली डेल्यूजन के बारे में। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हो और जिन जिन व्यक्तियों को आप देखते हो वो सब के चेहरे आपको एक जैसे ही नज़र आए तो आप कैसा महसूस करोगे? आप वैसा ही महसूस करोगे जैसा इस बीमारी के मरीज को होता है। फ्रेगोली डेल्यूजन एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिसमें मरीज को सभी के चेहरे एक जैसे ही लगते हैं। मरीज को सभी लोगों के कपड़े और डिजाइन अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का चेहरा एक ही दिखाई देता है। इस बीमारी में मरीज इधर उधर भागने लगता है और जहाँ भी जाता है मरीज को एक ही चेहरा नज़र आता है, जैसे कोई माया जाल हो, या फिर मरीज को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने ही कुछ कर दिया है जिसका चेहरा उसे नज़र आता है। इस कंडीशन में मरीज किसी भी घटना, समय या फिर कोई भी व्यक्ति को पहचान करने में बहुत दिक्कत होती है। इस बीमारी की वजह से मरीज पूरी तरह से पागल भी हो सकता है। यह बीमारी क्यों होती है इसका सही कारण तो पता नहीं, लेकिन सर पर गहरी चोट लगने से होती है। दिमाग में गहरी चोट लगने की वजह से मरीज सभी व्यक्ति के चेहरे याद नहीं कर पाता और कोई एक व्यक्ति की छवि उसके दिमाग में घुस जाती है, जिसकी वजह से वही चेहरे उसे सभी व्यक्ति में दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे एलियन हैंड सिंड्रोम के बारे में। यह भी एक ऐसी विचित्र और रेयर बीमारी है जिसमें मरीज अपने ही लेफ्ट या राइट हाथ में से एक हाथ से वो अपने शरीर को मारने लगता है। वो हाथ ऐसे बर्ताव करता है जिसे वो हाथ कोई दूसरी व्यक्ति का हो या फिर कोई और व्यक्ति उसे कंट्रोल कर रहा हो। इस बीमारी में मरीज का कंट्रोल उसके हाथ पर होता ही नहीं, जिसकी वजह से मरीज को पता ही नहीं होता कि उसका हाथ क्या कर रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ का कंट्रोल दिमाग और नर्वस सिस्टम से कट जाता है, जिसकी वजह से मरीज खुद के हाथ पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कैपग्रास डिल्यूजन यह भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने ही लोग जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, सभी बेरूपीय और डुप्लीकेट लगने लगते हैं। मरीज को खुद का घर भी उसे नकली लगने लगता है। उसे लगता है कि जो लोग उसके अपने हैं वो सब डुप्लीकेट और बेरूपीय है, जो धोखा देना चाहते हैं और उसे मार देना चाहते हैं। इस कंडीशन में मरीज अनजान व्यक्तियों के पास जाकर उसे हेल्प करने के लिए कहता है और अनजान व्यक्तियों पर भरोसा भी करने लगता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मरीज को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसे लगता है कि वो डॉक्टर उसे धोखे से मार देना चाहता है, जिसकी वजह से मरीज इधर उधर भागने लगता है और पूरी तरह से वो परेशान रहता है। अब मैं जिस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ वो सबसे खतरनाक और डरावनी है। इस बीमारी का नाम वेंडिगो साइकोसिस है। इस बीमारी में मरीज ह्यूमन फ्लैश यानी कि इंसान का मांस खाने के लिए इतना बेचैन हो जाता है और उसे किसी भी तरह इंसानी मांस खाने से ही संतुष्टता मिलती है। इस बीमारी में मरीज ऐसा क्यों करता है और यह बीमारी किस वजह से होती है इसका कोई एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं। कुछ साइकोलॉजिस्ट तो इस बीमारी को मानते ही नहीं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट का यह कहना है कि इस बीमारी का कारण जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस बीमारी का कारण बचपन में किसी चीज़ या किसी बात का बुरा असर दिमाग पर पड़ने से होता है, या फिर बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनी हो जिसमें इंसानों का शिकार करके उसे खाते हो
ऐसी सब बातें दिमाग में घुस जाने की वजह से ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इन दिमागी बीमारियों में से कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा विचित्र और डरावनी लगी, कमेंट करके बताना जरूर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही साइंस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।